ஏய் கபில் சர்மா. ஹலோ 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 நமஸ்தே. ஏய் தோ மினிட் தீஜியேகா, தோ மினிட் தீஜியேகா, பாத் கரேன். ஏய் கபில் சர்மா சொல்லியே. அரே வே கடே வே. அரே கே ஹே கே யார், ஹம்கோ இன்சாஃப் திலாயே யார். மால் மே ஜாவோ சப் குச் மில்தா உதர், சலோ நிக்லோ. யா ஷோ சல் ரஹா கே குல்லே சாண்ட் கி தர அந்தர் குஸாயே. அரே தோ யூ டோன்ட் நோ ஐ அம் என்பிபி. கே நாரி பீடித் புருஷ். अब हमको इंसाफ दिलाइए, हम गए थे आपके क्या है वो सिटी केबल के मालिक के पास गए थे, उन्होंने कहा कि ये आदमी यहाँ पर आइए इंसाफ दिलाएगा, आप अपने शो में हमारा मुद्दा उठाएंगे, उन्होंने कहा. आपका मुद्दा कैटर से उठा, आपका मुद्दा ही बहुत बड़ा है. समझ में नहीं आ रहा आपका मुद्दा के गद्दा है, पर आपको मेरे बॉस ने भेजा है. हाँ तो फिर करना पड़ेगा, क्या करना है आपको, इंसाफ चाहिए आपको. इंसाफ चाहिए भैया, नारी से पीड़ित है. एक तो बीच में ये हम सर इधर नारी से पीड़ित है, लेकिन क्या करें, बोलना पड़ रहा है, बताना. नारी से पीड़ित हो? हाँ. क्यों? पहले नारी इनसे पीड़ित हुई. देखिए मैं आपका मुद्दा उठाता हूँ, कोई बात नहीं. आज हमारे साथ फराह खान है और सानिया मिर्जा है. आपका मुद्दा उठाया जाएगा बकायदा, लाइव चलेंगे हम लोग. अरे लाइव चलेंगे, आज जॉब मिली मेरे को सिटी केबल पे ना. अच्छा तो लेके आओ जल्दी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब चंदू जी सर, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी. अच्छा? बहस शुरू हो रही है. डॉक्टर साहब आए भी आए आए आए. मुद्दा क्या है? मुद्दा बैठना, सिर्फ मुद्दा बैठना. आप सबका स्वागत है. आज हमारे स्टूडियो में चर्चा करेंगे महिला पीड़ित पुरुष जो है अपनी फरियाद लेकर आए हैं, और इस पर चर्चा करने के लिए दोनों तरफ से लोग हैं. इस तरफ से आप देख रहे हैं टेनिस कोर्ट से इंटरनेशनल टेनिस स्टार सानिया मिर्जा है, बॉलीवुड सेलिब्रिटी फराह खान, और दूसरी तरफ है तीन फालतू इंसान, डॉक्टर मशहूर गुलाटी हॉस्पिटल से, चंदू चाय वाला दुकान से, और मोटे भैया अपनी औकात से. तो आज हम चर्चा करेंगे, और मैं अपने पहले कंटेस्टेंट्स को बोल देना चाहता हूं कि इस चर्चा में गंदी गालियां हाथापाई बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा. ओ, और फिर मैं जा रही हूं. अरे, 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 आपको अलाउड है. अच्छा. और वो लोग तीन और हम लोग दो क्यों हैं? हम दो तीन के बराबर. ध्यान से देखिए, वो पांच हैं. तो चर्चा शुरू की जाए. वेरी नाइस भाई, वेरी नाइस. टीवी के अंदर हाथ करो ना यार. तो चर्चा शुरू की जाए. सबसे पहले वो जो मनहूस मुंह बना के बैठे, आप क्या कहना चाहेंगे? अरे देखिए, हम बहुत परेशान हैं, अपनी बीवी से बहुत परेशान हैं. अरे वो हमें बहुत मारती है, लथड़ लथड़ के पीटती है हमको. अरे हमको रोज कहती रहती है मोटे मोटे मोटे. एक बार गलती से हमने उसे कह दिया आप हल्की सी भारी लग रही है. पूरा घर सर पे उठा लिया उसने. तो फरा जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर बीवी अपने पति को मोटा कहती है तो वो चलता है, लेकिन अगर पति अपनी पत्नी को जरा सी भारी कह देता है तो वो बर्दाश्त नहीं करती. इज़न्ट इनटॉलरेंस. देखो मेरा पति कभी कुछ ऐसा कहता ही नहीं है. शामत आनी है उसकी. कभी नहीं कहता वो, मुझे ऐसे ही बोलता है कि बेबी तुम बहुत पतली हो गई हो, फूल सी नाजुक हो गई हो. तो फराह के मुताबिक जो है इनके पति जो हैं, अक्कल से काम लो ना. कभी हर बार सच बोलना जरूरी होता है क्या? हम लोग बोलते हैं कि आपका मुंह अगली है, आपके बाल कैसे, आपके मुंह से बास आ रही है. कभी नहीं बोला आपने? नहीं बोला ना. थोड़ा एडजस्ट कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो. हम लोग भी सच्चाई नहीं बोलते ना. कितनी बार बोलते हैं हम कि आपकी बैक साइड इतनी बड़ी लग रही है जींस में. तो सच्चाई को छुपाना. हाँ, सच्चाई को छुपाओ. हमने कभी कहा कि कितने बच्चे हो रहे हैं आपके? ट्रिपलेट्स हैं. लेकिन इसी बात पे कवाली याद आ गई. सच्चाई छुपाना यार, कवाली याद आ गई. इंडियन आइडल नहीं हो रहा है. फरा मैम, मेरा एक सवाल है कि जो औरतें होती हैं वो हम मर्दों पे इतना शक क्यों करती हैं? आदमी थोड़ा सा भी मार्केट से लेट हो जाए उसी टाइम फोन करना शुरू करती हैं. हेलो कहाँ पे हो? आदमी कहता है यार मैं पान वाले के पास हूँ. चलो पान वाले से बात करवाओ. आदमी सोचता है यार शादी मैंने कराई है, मौजे पान वाला ले रहा है. वाह बहुत अच्छा, इनकी शक्ल में दम हो ना हो इनके बात में दम है. तो क्या आप भी, मैं मेरा सवाल सानिया और फरा दोनों से, क्या है दुकान वाले, दुकान ये वाले. ये तो हमको भी नहीं पता चला अभी तक. तो
तो मेरा सवाल है, इनकी क्या बीवी भी शायद यही कहती होगी ये है कौन? आपको शायद जवाब मिल गया है। देखिए ये हमारे सवाल का प्रॉपर जवाब नहीं है, हमें ये बताइए कि पहले ये बताइए प्रॉपर वर्ड आपको किसने बताया? अरे बात करनी होगी उसे पान वाले से, चल रहा होगा उसका कुछ तो, क्या हुआ? औरतों को फ्रीडम नहीं होती अफेयर करने की, भले वो पान वाले से अफेयर करे, लेकिन पान वाले के साथ ना मुंह पे दाग आ जाते हैं। तो क्या आप भी अपने पति को 5-5 मिनट बाद फोन करती हैं? मैं तो नहीं करती, क्योंकि मैं तो टीवी पे देख लेती हूँ, वो टीवी पे खेलते होते हैं तो मैं देख लेती हूँ, और वो भी कहने को टीवी पे देखते हैं, ये भी टीवी पे खेल रहे हैं। कहने का मतलब आप विजुअल निगरानी रखती हैं। तो आप दोनों को प्यार प्यार में टीवी हो गया। तो सानिया का कहना है कि वो अपने पति को फोन नहीं करती। ब्रेकिंग न्यूज, सानिया को नहीं है परवाह कहाँ है उनके पति। ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा। आप बोले ना बोले हमारा चैनल चल जाएगा, ब्रेकिंग न्यूज यही है जी। तो बरा आप नहीं करती अपने हस्बैंड को कभी फोन? करती हूँ ना। तो फिर वो उठाते हैं आपका फोन? मैंने ये तो नहीं कहा कि वो उठाते हैं, मैंने कहा मैं करती हूँ। कभी नहीं उठाते? मैंने अभी नया मोबाइल लिया है, आप मुझे किसी भी टाइम फोन कर सकती। कैन यू हैव माई नंबर? ओए, या हमको ये करने के लिए बुलाया है यहाँ पर शादीशुदा औरतों पे ये जो दोरे डाल रहा है? कैन यू जस्ट प्लीज हैव माई नंबर? मैं जूता पहले गोबर में भिगोऊंगा फिर आपके मुंह पे मारूंगा। आप हमारी महिला गेस्ट से आप ऐसे फ्लर्ट नहीं कर सकते, ये सिर्फ इजाजत हमें है जी। मुद्दे को आगे बढ़ाया जाए। और ये कैसा टीवी है जो देखो बाहर आ रहा है उससे? अच्छा एक मेरा प्रश्न है, ये औरतें मर्दों के कपड़े पहन सकती हैं, मर्द क्यों नहीं पहन सकते औरतों के कपड़े? ये सवाल देखिए कौन पूछ रहा है, आपसे ज्यादा साड़ियां तो विद्या बालन ने नहीं पहनी। अभी भी इनकी जेब चेक करो, 2 संतरे निकलेंगे। मैं संतरे नहीं अमरूद यूज करता हूं। जी मेरा एक सवाल है। दो पूछ ले। सवाल है मेरा, एक सवाल क्या होता? पूछ एक। तेरे पास सवाल ही है, जायदाद तो है भी नहीं। आई एग्री। जी सवाल क्या है आपका? जी फरम, मेरा एक सवाल है कि जितने भी औरतें होती हैं वो सारी गलत ड्राइविंग क्यों करती हैं? जितने भी औरतें हैं यार, ये है कौन? सर मैं सवाल पूछूं क्या? रहने दो जी, आप जारी रहिए जी। जो औरतें हैं वो गाड़ी जो है गलत जगह क्यों पार करती हैं? आपको क्या प्रॉब्लम, आपके पास तो साइकिल भी नहीं है। देखिए पार्किंग में बाथरूम करने तो जाते ही है ना ये, तो आपको क्या, आपने किसी महिला की गाड़ी गलत पार्किंग में देखी? हाँ जी, अभी फराह खान जी ने लगाई है बार। नहीं नहीं, फराह जी गलत नहीं लगा सकते। ये आप किनकी तरफ हैं? इन्होंने गाड़ी पार्क किया वहाँ, तो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, क्यों फराह जी? तो आपका कहने का मतलब पार्किंग का बोर्ड गलत होगा, फराह गलत नहीं हो सकती? सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं जान दे दूंगा अगर फराह गलत हो। मैं इसी स्टेथोस्कोप से अपना गला घोट लूंगा अगर ये गलत। देखिए उनको मेरी जान की कितनी परवाह है, क्या बात है। स्टूडियो से बाहर मत आए। अरे स्टूडियो से बाहर नहीं, आपे से बाहर मत आओ बोलो। कोई दिल दे बैठा है और आपको आपे की पड़ी है। अच्छा फिर स्टेटोस्कोप देखो कहाँ कहाँ जा रहा है। 2 मिनट के लिए कैमरा बंद किया जाए। 2 मिनट के लिए कैमरा बंद किया जाए, मुझे इनको एक गंदी गाली देनी है। अब क्या? जी मेरा एक आप तो नहीं पूछेंगे ये कौन? मेरा एक सवाल है, आप ये कौन है? कौन? मुझे बता ही नहीं रहा कौन है ये। जी तो सवाल आपका क्या है? मेरा एक सवाल है कि मैं कौन हूँ? देखिए डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है कि मैं कौन हूँ? मैडम अब आपकी बारी। मेरा एक सवाल है, आपका बुखार चेक कर ले।
मेरा एक सवाल है कि शादी से पहले आदमी शेर होता है, लेकिन शादी के बाद शायर क्यों बन जाता है? वाह, बड़ा ही बकवास सवाल पूछा वैसे आपने, पर आपने जिनकी तरफ ये इशारा किया है हम उनको भी चर्चा में शामिल करते हैं। मिस्टर सिद्धू, हम ये जानना चाहते हैं कि आदमी शादी से पहले शेर होता है और नहीं होता? सिद्धू सर आके आप हमारी टीम तो ज्वाइन करें इधर। हम उन पे भारी पड़ रहे हैं इसलिए आपको बुला रहे हैं। वो आपकी कुर्सी कोई नहीं ले रहा आज है। आप बहुत अच्छा हुआ क्योंकि वैसे भी हमारे तीसरे गेस्ट पॉइंट से बाहर थे। मैं बैठ रहा हूं, यहां बैठ रहा हूं जी। थैंक यू सानिया। लगता पलट हो गया। ठोको ठोको। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। तो सिद्धू जी ने वो जवाब देने से इनकार किया है? बिल्कुल किया है, फालतू सवाल है। जी आप आगे बढ़िए। हमारा अगला सवाल यह है कि जो लेडीज हैं, आप लोग जो हैं, आप लोग इतने सारे सवाल पूछती क्यों हैं? आप लेडी हैं, सबसे ज्यादा सवाल तो आप कर रहे हैं। तो अपना जनरल सवाल पूछ रहे हैं, आप लोग की काफी आदत है। हम अगले सवाल पे जा सकते हैं। लेडी सवाल पूछती क्यों है फारा? बताइए ना। कुर्सी पे बैठोगी तो ज्यादा लाइन मारेगा वो, मैं बता रहा हूं। जैसा कि आपने देखा कुर्सी के लिए काफी मारा मारी चल रही है। तो एक बार फिर से अनजान व्यक्ति कुछ पूछना चाहेंगे। जी जी मेरा सवाल है, क्यों है? आप कौन हो? ठीक है जो औरतें हैं मेकअप में इतना टाइम लगाती हैं, लेकिन जब लड़का पसंद करना होता है तब भी इतना टाइम क्यों लगाती हैं वो? ताकि आपके जैसा पति ना मिल जाए। कैसा फटे दूध जैसा मुंह लेके वैसा ही सवाल पूछा आपने। मैं आपको खुद ही तर्क कहता हूँ, शट अप। जी अगला सवाल क्या है? जब भी लेडीज अपनी मनमानी करती हैं हमेशा, अपने हस्बैंड को सॉरी क्यों नहीं बोलती? सॉरी जी, पहले आपने ये लफ्ज सुना कभी? अपने हस्बैंड के मुंह से सुना होगा। नहीं वो भी नहीं बोलते। अब 12 साल हो गए शादी को, अब सॉरी का वक्त निकल गया ना। तो जैसा कि आपने सुना 12 साल बाद सॉरी वोरी सब मोरी में चली जाती है। आपसी इक्वेशन काम आती है। जी लड़कियां कभी दो आपस में सहेलियां नहीं हो सकती, और लड़के देखो कभी भी लड़ते नहीं है आपस में, है ना? क्या बात कही है। लेकिन जब से ये आए इनके मुंह से प्याज की बदबू बड़ी आ रही है। तेरे मुंह से भी लहसुन लहसुन में से फर्क नहीं पता क्या आपको? अरे चलिए चलिए चलिए, बड़ा दोस्ती दिखा रहे हैं तीनों। लड़ो भी, लड़ो मत, लड़ो मत। अब मैं तुम्हारी लड़ाई छुड़वा रहा हूँ। देखिए है, देखिए। अरे बस बस है, चलिए लड़ाई छुड़वा रहा हूँ इधर। जैसा कि आप देख रहे हैं मामला हाथापाई तक पहुंच गया है, जूते चल रहे हैं। हमारा प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है, ये हटा लीजिए। I am the Hercules. I am the Tarzan. ये हट, भाग जा ना। Tarzan, अबे तेरी बंसरी जैसी टांगे Tarzan बनाया। एक बार सानिया और फरा के लिए जोरदार तालियां हो जाए।